फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट ही पहुँचे, क्योंकि रात को हमने प्रॉपर कुछ खाया नहीं था इसलिए ब्रेकफास्ट ही पहुँचे। रात को नींद प्रॉपर हुई नहीं है इसलिए आपको सूझी नहीं लग रही होंगी। आपको अभी चंद्रकांत होटल के लिए बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमें अपने गोडाउन की तरफ जाना है, वहाँ पे हम होटल सर्च कर रहे हैं कि हम अपना होटल सर्च करें, वहाँ पे जाकर देखते हैं। टुडे फॉर रुपीज 1600, इफ यू हैव एनी चीप होटल देन इट टेल मी। वो चीप होटल है ना, टुडे 16 रुपीज है ना, 1600 इट्स गुड। गुड राइट, चीप चीप रेट है ना, चीप रेट। डू यू हैव एनी मोर देन इट चीप? फुल चीप है ना। ओके ओके फाइन, इन वन डे 1600 रुपीज है ना। 2 आवर्स लेटर गाइस, मोर देन 1.5 आवर लगा हमें अपने रूम तक पहुंचने के लिए, बिकॉज सम सिचुएशन इज ओयो से हमें बुकिंग करवाई थी, बट ओयो वालों ने बुकिंग ऐसे होटल में दी जो अभी चल रहा है, जो बन रहा है, जो अभी ओपन नहीं है, बट द ओनर इज वेरी ग्रेट, उन्होंने हमें अंदर आने दिया, उन्होंने हमारे लिए रूम को क्लीन करवाया, अच्छा करवाया, और बिल्कुल न्यू प्रॉपर्टी है, न्यू प्रॉपर्टी है, हम वी आर द फर्स्ट कस्टमर, सो उन्होंने इतना हमारा रिगार्ड्स किया, उन्होंने अंदर ही सच जेंटलमैन, बहुत अच्छा रूम है, फैब्रिकेशन हाउस अपने यहाँ पे काम चल रहा है हमारा। सारा माल बन जाएगा, ये बहुत ही बढ़िया, सब कमाल का है, एक ही सब पता ये सब्जी है, ये चटनी यहाँ पराठा बढ़िया हुआ, बहुत ही मजा, मस्त है, चीप एंड बेस्ट, रोड साइड रोम में, वाओ नाइस नेम। ये लोकेशन है, ये यहाँ पे फिश फ्राई बनाई जा रही है, ये फिश ट्राई कर रहे हैं हमारे मित्र। सर कैसा लगा आपको? बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही नेचुरल और एकदम फ्रेश टेस्ट है। हम जो दिल्ली में खाते हैं फिश, उससे कितना अलग है ये, कि यहाँ पे साउथ के होने पर इन्हें खुद का एक जायका है, जो क्रिस्पी और लजीज है। तो इसका क्या प्राइस क्या सर? इन्होंने इसका चार्ज किया है 40 से 50 रुपये, जो कि एवरेजली ठीक है, इतना ही होना चाहिए। ये इन्होंने फुल फिश दी आपको? वो पूरी हाफ फिश दी है, अराउंड 200 ग्राम की है, चीप एंड बेस्ट। तो आप इसको कितनी रेटिंग देना चाहेंगे? 5 में से 4 स्टार। चलिए आप अपनी फिश एंजॉय कीजिए, जा रहे हैं जरा थोड़ा पेट पूजा करने, क्योंकि दोपहर को हमने कुछ ज़्यादा नहीं खाया था, हमने भी ब्रेकफास्ट और हमारा दोपहर का लंच एक ही चीज़ हो गई थी, बट अब देखते हैं कुछ क्या मिलता है, बिकॉज जो हमारी फाइन शॉप थी उसमें उन्होंने आज कुछ बनाया नहीं, बिकॉज संडे आज, तो वो वीकडेज पे ही इसका ज़्यादातर करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है खाने को। अभी टूडा हमने इस टाइम बहुत चीज़ थी मॉर्निंग में, बट इतना कोई चीज़ हमें मिली नहीं थी यहाँ पे, वो एट दी एंड हमने, लेकिन जो हमने खाया था वो बहुत बहुत टेस्टी था, उस टाइम वो सेटिस्फाइंग था। तो हमने एक चीज़ हमने इंस्टा पे और अपना क्या नाम है फिर यूट्यूब वीडियो में नहीं डाली, हमने एक रागी एंड आई थिंक छाछ का कुछ मिक्सचर पिया था, तो उन्होंने कहा ये बहुत हेल्दी होता है और ये आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है, वो हमने लिया था,
वो आई थिंक उसका कॉस्ट थी 20 रुपीज, 20 रुपीज हमने लिया था उसको। अभी हम चल रहे हैं, ओह दिल्ली में इतना मैंने कभी वॉक नहीं किया जितना मैं यहाँ पे हर रोज 10-15 किलोमीटर चल रहा हूँ। लगता है मेरा वेट जरूर कम हो जाएगा, पर हमारे भाई तो नजर ही नहीं आने लग रहा मुझे, यार नहाए नहीं है इसलिए इनकी शक्ल ऐसी है, सो माइंड मत करना। चलो गाइज देखते हैं क्या मिलता है। सो गाइज हम यहाँ पर हैं एक होम रसोई में जहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं खाना, यहाँ का लोकल खाना। बेसिकली यहाँ पे चपाती, सोयाबीन की सब्जी, चटनी है, और हमारे चंद्रकांत जी ले रहे हैं रसम राइस, पकौड़ा और पापड़। चपाती को ले लेना। बस ठीक है सर, कैसा आनंद आ रहा है आपको? सांभर चावल बहुत बढ़िया। और ये परोठा? And about this one? This is Sada Dosa. Soyabean sabzi and yummy. So अभी हम निकले हैं अपने होटल से ब्रेकफास्ट के लिए, और आज हम मोस्ट ऑफ अपना टाइम साइट पे बिताएंगे जहाँ हमारा काम चल रहा है। अभी हम एक बाइक रेंट पे लेंगे, हम लोग बाइक लेने वाले हैं और उसके बाद मजे करने वाले हैं, थोड़े मजे काम ज्यादा पहले काम करेंगे फिर मजे करेंगे। ओके गाइस सी यू देन, करते हुए बाय। गाइस हमने बाइक जो बुक करी थी वो हमारी इतनी दूर ड्रॉप लोकेशन पे थी, मोर देन 1.5 आवर हमें लगता है यहाँ से जाने में, और जिसके लिए हमें ओला में अराउंड 600+ खर्च करना पड़ता। तो हमने डिसाइड किया कि हम बाइक हमारी कलेक्ट करेंगे थोड़ी देर में, हम पहले अपने होटल जा रहे हैं जहाँ से हम बाइक कलेक्ट करने के निकलेंगे, वहाँ से उसका डिस्टेंस 18 किलोमीटर अराउंड है, 18 किलोमीटर अराउंड है। तो अभी हम बैठ गए हैं, तो यहाँ से भी हमें आई थिंक 1 घंटा अराउंड लगेगा अपने होटल पहुँचने में। शेड्यूल करते हैं और हम आपसे बाइक जो पहले 11 बजे हम पिकअप कर रहे थे हम वो अराउंड 1-2 के बीच में हम पिकअप करेंगे वहां से। सो मिलते हैं होटल चल के, दिखाते हैं आपको होटल कैसा है और हमने कितने में होटल बुक किया है। आई थिंक 3-4-5 4 दिन 3 दिनों के लिए। और क्या प्रॉब्लम सारी ये भी बताएगा, और जो जो हमने प्रॉब्लम फेस करी है मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी लैंग्वेज बैरियर, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो हम उससे कैसे करके हम लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं या हम उनसे कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, उसके लिए मैं एक वीडियो शेयर करूंगा आपके साथ। ओके सो मिलते हैं गाइस बाद में। यशवंतपुर मेट्रो की तरफ निकल रहे हैं, अभी वॉकिंग है, ऑटो का वेट कर रहे हैं, अगर ऑटो हमें मिल जाता है। बट सच में बहुत गर्मी है यहाँ पर, बहुत गर्मी है। लेफ्ट में हम मोर देन 5 किलोमीटर से ऊपर चल चुके हैं बाइक की तलाश में अपनी, देखते हैं वहाँ पे जाके बाइक मिलेगी भी नहीं मिलेगी, अभी तो ये भी संशय बना हुआ है। और हमारे सीके भाई कैप शैप लगा के ये पुल सूर्य सिंगम बन रहे हैं अपने आप को। बहुत गर्मी है यार, गर्मी से परेशान हो गए यहाँ पे। चलिए अपडेट करता हूँ आपको। सो गाइस फाइनली हमने बाइक बोर्ड कर ली है और हमने लिए CT 100 और हमारे बाइक चला रहे हैं। सो गाइस फाइनली वी कैच द बाइक, कैसा लग रहा है भाई बेंगलुरु सड़कों में बाइक को घूमते हुए? मजा आ रहा है, सच बताऊं तो बहुत मजा आ रहा है। सो
guys, we are here, Bangalore International Exhibition Center. ऐसा करते हैं ना, चल बोल देंगे एक बार आप भी बात कर लेंगे उसका तो फिर बोल ही देंगे. ठीक है ना? थोड़ा ये कह रहे हैं कि मुस्कुराती है ना, मुस्कुराती है. Guys, also Charizard. Hi guys, we came at our stall. And this is our stall. This is the one stall Shakti Granite. And so this is my work, this is my life. This is the second stall and the third stall is also there. They are executing it. The work is going on. That's how we roll. ऐसा लग रहा है बेंगलोर की सड़कों पे, मैं मुंबई बोलने वाला था सारी. मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है. यहाँ की सड़कें औसम है, जैसे दिल्ली है वैसे ही मुंबई है, वैसे ही बेंगलोर है. यो बेंगलोर कूल सुपर. गाइस एक बहुत बुरी खबर है, हमारी बाइक पंचर हो गई और हम गिरते गिरते लगे. और अब एटलीस्ट हम, ये अच्छी बात है कि हमें 1 किलोमीटर के अंदर अंदर हमें पंचर वाला मिल गया है. और जो हमारी बाइक दिखा दो, बाइक तो दिखा दो. ये हमारी बाइक का हाल हो गया और अब पंचर बनाया जा रहा है. देखते हैं, 10-15 मिनट का टाइम लगेगा, फिर हम अपने होटल जाकर कुछ खाएंगे, रेस्ट करेंगे. और कल मॉर्निंग में हमारा प्लान है नंदी हिल्स जाने का. देखिए कितना सक्सेस होता है, बिकॉज आज हम बहुत थक चुके हैं सारा दिन एग्जीबिशन सेंटर में काम करके. सो लेट्स सी, मिलते हैं आपसे डिनर के टाइम.